आज प्रधानमंत्री नीति आयोग के दिग्गज अर्थशास्त्रियों से करेंगे मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बैठक में वित्त मंत्री जेटली समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की होगी मौजूदगी, आर्थिक नीति को लेकर होगी चर्चा। दावोस समिट से पहले बुलाई गई ये बैठक काफी अहम, 23 जनवरी को मोदी दावोस में विश्व आर्थिक मंच को करेंगे संबोधित। दावोस में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हो सकती है मुलाकात, विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन के दौरान मिल सकते हैं दोनों नेता। 18 साल में पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में ले रहा है हिस्सा, 1997 के बाद पहली बार दावोस में सम्मेलन में दिखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री। बजट में टैक्स को लेकर सरकार दे सकती है रियायत, 3 लाख तक की सीमा तक मिल सकती है छूट। नोटबंदी के बाद अब सिक्का बंदी, देश के चारों टकसालों ने किया प्रोडक्शन बंद। नोएडा, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद के सरकारी टकसालों में सिक्कों का प्रोडक्शन बंद, अनिश्चितकालीन के लिए किया गया बंद। सिक्का बंद करने पर आरबीआई की सफाई, कहा नोटबंदी के दौरान बने थे बहुत ज्यादा सिक्के, इसलिए रोकने का किया गया फैसला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नवादा संसदीय क्षेत्र में लगे लापता के पोस्टर, खोजने वाले को 11,000 का इनाम। नहीं माने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी, पुलिस के रोक के बावजूद दिल्ली के जंतर मंतर पर निकाली रैली। युवा हुंकार रैली में जिग्नेश मेवाणी ने मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा दबाई जा रही है दलितों की आवाज। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व नेता उमर खालिद और कन्हैया कुमार भी रैली में दिखे मौजूद, केंद्र सरकार के खिलाफ बोला हमला। आज जिग्नेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई में छात्रों को करेंगे संबोधित, पुलिस ने रैली की नहीं दी जगह। पश्चिम कर्नाटक के लिए बीजेपी ने कसी कमर, आज चित्रदुर्ग में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे अमित शाह। भरीन में राहुल गांधी के भाषण पर बीजेपी आग बबूला, कहा देश को बदनाम कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष। राहुल गांधी जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, 3 तलाक पर आपकी पार्टी ने जो स्टैंड लिया, वो क्या प्यार फैलाने वाला स्टैंड था या नफरत फैलाने वाला स्टैंड था? जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने दी राहुल को नसीहत, देश के अंदर की समस्याओं पर देश के बाहर चर्चा ना करें। इन अ फॉरेन कंट्री वी स्पीक फॉर इंडिया एंड फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, दैट वी शुड नॉट फॉरगेट, इट इज द स्ट्रेंथ दैट वी हैव टू बिल्ड। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा अगर फिल्म से लोगों की भावना आहत होती है तो बैन संभव। पद्मावत को लेकर करनी सेना का विरोध जारी, 12 जनवरी को मुंबई में संसद बोर्ड के दफ्तर का करेंगे घेरा। करनी सेना के मुखिया लोकेंद्र सिंह कालवी की मांग, पूरी तरह से बैन हो संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत। करनी सेना ने 27 जनवरी को चित्तौड़गढ़ में राजपूत समुदाय की बुलाई रैली, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। बिहार के मोकामा में बीती रात शंटिंग में खड़ी पैसेंजर ट्रेन में लगी भीषण आग, इंजन समेत 6 बोगियों पूरी तरह जलकर खाक। पटना मोकामा मेमो ट्रेन में देर रात करीब 1 बजे लगी आग, कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आज सुबह पटना के लिए रवाना होने वाली थी ट्रेन खाली रहने के कारण किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रात करीब 11 बजे मोकामा पहुंची थी पैसेंजर ट्रेन, आग के कारणों का अभी नहीं चला पता। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक हादसे से रेल सेवाओं पर कोई असर नहीं। राजधानी दिल्ली में ठंड का सितम जारी, मंगलवार को 4.2 पहुंचा न्यूनतम तापमान। पंजाब और हरियाणा में जारी है ठंड का प्रकोप, नारनौल में 0 के करीब है पारा। राजस्थान में जारी है जमाने वाला जाड़ा, अलवर में 0 के करीब पहुंचा तापमान। बिहार में शीतलहरी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, लगातार गिरते पारे और कोहरे से हड़कंप। श्रीनगर में सीजन की सबसे ठंडी रात 0 से 6 डिग्री नीचे पहुंचा पारा, लेकिन धूप निकलने की वजह से थोड़ी रहा। डल झील पर जमी बर्फ की मोटी परत, सैलानियों और
पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों में गजब का उत्साह। कश्मीर में 40 दिनों तक चलने वाली चिल्लई कला का जबरदस्त असर, 40 दिन तक रहेगी कड़ाके की ठंड। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सर्दी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, बारिश नहीं होने से जमने लगे नदी नाले। बिहार के बक्सर में बेकाबू बोलेरो का शिकार बना बच्चा, लोगों ने बोलेरो को किया आग के हवाले। राजस्थान के बूंदी में मासूम से शराबी युवक ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए पांच अपराधी, पुलिस के मुताबिक पांचों अपराधी पढ़े लिखे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चोरी के आरोप में युवक की जमकर धुनाई, मोबाइल चोरी का आरोप। उत्तर प्रदेश के आगरा में दुकान पर कब्जे को लेकर दो भाइयों में पथराव और फायरिंग, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लाउडस्पीकर बंद करने के आदेश के बाद मुस्लिम समुदाय के नेताओं की बैठक, फैसले पर अमल करने का फैसला। उत्तर प्रदेश के बलिया में गाय चोरी के आरोप में दो की जमकर धुनाई, गांव वालों ने चोरों को इलाके में घुमाया। मेरठ की CCS यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुट प्रदर्शन के दौरान भिड़े, तीन छात्र चोटिल। यूपी के अमरोहा में जमीन विवाद और मजदूरी के पैसे ना देने पर शख्स ने की मासूम की हत्या, मारकर अपने आंगन में दबाया। यूपी के मथुरा में मैजिक गाड़ी और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत में 6 लोगों की गई जान, 12 से भी ज्यादा लोग घायल। उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रेमी को पिता से बचाने की कोशिश में लड़की ने पिता को तीसरी मंजिल से दिया धक्का, हुई मौत। यूपी के मेरठ में नाबालिग से रेप के बाद पंचायत ने 5 लाख का जुर्माना लगाकर निपटाया मामला, परिजनों ने थाने में दर्ज कराया मामला। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रदर्शन कर रहे किन्नरों पर पुलिस का लाठीचार्ज, शिकायत पर कार्रवाई ना करने के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में ज्योतिषी ने महिला को अकेला देखकर घर में घुसकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मधुबनी में 12वीं के 50 छात्र का रिजल्ट अधर में लटका, शिक्षा बोर्ड ने एक विषय की परीक्षा में अनुपस्थिति दिखाकर रोका रिजल्ट। बिहार के हाजीपुर में शौच के लिए गई महिला की रेप के बाद हत्या। पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल NMCH के जनरेटर में लगी आग, मरीजों के बीच मची भगदड़। लालू के पीछे पीछे जेल पहुंचे उनके दो रसोइये, मारपीट और लूट के केस में FIR दर्ज होने के बाद भेजा गया रांची जेल। अहमदाबाद में दर्दनाक हादसा, टावर में लगी आग, 4 लोगों के धुएं से फूटा दम। सूरत में ATM में चोरी की कोशिश फेल, CCTV में कैद हरकत। हल्द्वानी में बेटे ने मां के साथ मिलकर की पिता की हत्या, 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर घर में दबाया। उत्तराखंड के ऋषिकेश हीरेलाल मार्ग पर भीषण हादसा, 6 गाड़ियां आपस में टकराई, 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 5 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष में 1 महिला की मौत, 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। रायपुर में प्रशासन ने 26,000 क्विंटल धान बिचौलियों से जब्त किया, मध्य प्रदेश से लाए फसल की खेप को छत्तीसगढ़ की सरकारी मंडियों में खपाने की कोशिश। रायपुर के सबसे बड़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति अस्पताल में 60 वेंटिलेटर खराब, सरकार बेखबर। रायपुर के ओम अस्पताल पर मरीज के परिवार वालों ने लगाया वसूली का आरोप, 1 सप्ताह पहले बच्चे की मौत के बावजूद वेंटिलेटर पर रखकर बढ़ाते रहे अस्पताल का बिल। रायपुर में आयोजित संकल्प सम्मेलन में देश भर से जुटे किसान नेता, केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 15 में लाखों की मोबाइल चोरी, CCTV में चोरी करते कैद में 2 चोर। हरियाणा के गुरुग्राम में स्पा की आड़ में दे व्यापार का भंडाफोड़, पुलिस ने 6 लड़कियों समेत 8 लोगों को किया गिरफ्तार। पंजाब के फरीदकोट में एक और किसान ने की खुदकुशी, मृतक पर करीब 20 लाख रुपए का था कर्ज। पंजाब के संगरूर में किसान को 5 रुपए की कर्ज माफी देकर पंजाब सरकार ने उड़ाया मजाक। पंजाब के मुक्तसर में माघी मेला में पहली बार होगा गधा सर्कस, मुक्तसर साहिब में लोगों ने गजब का उत्साह। पंजाब के लुधियाना में जाली दस्तावेज बनाकर बैंक से वाहन लोन लेने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने 2 बाइक बरामद की। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर रजनीश अरोड़ा पर विजिलेंस विभाग का छापा, अवैध नियुक्तियों के आरोपों पर कार्रवाई। हरियाणा के फतेहाबाद में आशिक के साथ मिलकर पति का कत्ल, नहर में फेंका शव, दोनों गिरफ्तार। दिल्ली के
खान मार्केट में दूसरे दिन भी अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई जारी। कल अवैध रेस्टोरों और सलून किए गए थे सील। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में चला सीलिंग ड्राइव, सैकड़ों दुकानों और गोदामों पर एमसीडी का ताला। दिल्ली के द्वारका में डीटीसी बस की बेकाबू रफ्तार, टकोरा, साइकिल सवार को रौंदा, मौके पर मौत। दिल्ली के विनोद नगर में मोबाइल शॉप से 25 लाख के सामान की चोरी, सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए थे साथ। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में पुलिस की मॉक ड्रिल, मंदिर की दी गई जानकारी। दिल्ली में गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का खेल खुला, महिला समेत चार लोग गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के दिल्ली में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही, जिंदा शख्स को मरा बताकर मॉर्चरी में रखा, सुबह जिंदा मिलने पर परिवार का हंगामा। दूसरे अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मरीज की मौत, में तक के परिवार वालों का दावा, वक्त पर इलाज मिलता तो बच सकती थी जिंदगी। पश्चिम बंगाल में भगवान भरोसे ट्रेन सेवा, ड्राइवर के सोने की वजह से घंटों लेट चली थी बागा एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के नोएडा में अमिटी यूनिवर्सिटी में वायुसेना ने लगाई प्रदर्शनी, छात्रों को एयरफोर्स की तरफ आकर्षित करने की कोशिश। आईएनएस विक्रमादित्य पर पहुंची रक्षा मंत्री, MiG-29 की पायलट सीट पर बैठी, सेना के समक्ष आने वाली चुनौतियों को जानने का प्रयास। ताजा जिंदा है कि बम्पर कामयाबी पर बोले सलमान, मेरा समय अच्छा चल रहा है, आगे भी चलता रहे। It looks like a festival चल रहा है, एक एक्शन भी था, गाना भी था, was really well balanced film. And today when we see it in the theater, it looks like a festival चल रहा है। आज तक से खास बातचीत में बोले सलमान, मुझे खुशी है लोगों को मेरी फिल्म काफी पसंद आ रही। सलमान ने फिल्म के हीरोइन कटरीना की जमकर की तारीफ, कहा कटरीना ने फिल्म में बेहतरीन एक्शन किया। मुंबई में वोडका डायरीज का सॉन्ग लॉन्च, फिल्म के कलाकारों संग विशाल भारद्वाज के भी दिखी मौजूदगी। कानपुर में एक संस्था के अनोखी मुहिम, लावारिस शवों को दिया इंसानियत का कंधा। पुंछ में बीएसएफ की ओर से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, स्थानीय युवाओं में दिखा भारी उत्साह। दिल्ली के उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के अंदर बंदर घुसने से हड़कंप, सुरक्षाकर्मियों ने बाहर भगाया। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।